हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास EVS क्लास 5th लेसन 3rd बुक एक्सरसाइज एक्सरसाइज पार्ट ए मैच द कॉलम्स। कॉलम ए को क्या करना है स्टूडेंट, कॉलम बी से क्या करना है, मैच करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स देखो स्टूडेंट, कॉलम बी में इसकी मैचिंग क्या हो सकती है, डियर। हर्बीवोर्स को क्या करेंगे, सी डियर से क्या करेंगे, मैच करेंगे। ओके, नेक्स्ट इंसेक्टिवोर्स। इंसेक्टिवोर्स प्लांट कौन सा है, संड्यू। इंसेक्टिवोर्स प्लांट कौन से होते हैं जो इंसेक्ट को खाती हैं, जैसे संड्यू। तो सेकंड को मैच कैसे करेंगे, ए से। नेक्स्ट थर्ड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स क्या है, लाइन। कार्निवोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ईट ओनली फ्लैश, जो सिर्फ फ्लैश मतलब अदर एनिमल्स का मीट ही खाते हैं, वो क्या होते हैं, कार्निवोर्स। तो किस इसकी मैचिंग क्या है थर्ड की, कार्निवोर्स की, लाइन ई। फोर्थ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है, जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स का, उसे क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल किस प्रोसेस में ज़रूरी होता है, फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरोफिल की मैचिंग क्या है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को वही प्लांट कर सकते हैं जो जिनमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, मींस ग्रीन कलर के होते हैं। लास्ट ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ओमनिवोर्स वो एनिमल होते हैं ईट बोथ फ्लैश एंड प्लांट, जो प्लांट्स को और फ्लैश मनी मांस को दोनों को खाते हैं। इसकी मैचिंग क्या है, डी ह्यूमन बींग। ओके, ओमनिवोर्स 5 की मैचिंग है डी ह्यूमन बींग। पार्ट बी फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स की फूड बनाने की जो प्रोसेस है, इन द प्रेजेंट ऑफ, प्रेजेंट मतलब उपस्थिति में, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड सनलाइट की प्रेजेंट में जो ग्रीन प्लांट फूड बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ओके, नेक्स्ट प्लांट स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन द फॉर्म ऑफ, जो प्लांट है वो एक्स्ट्रा फूड को किसकी फॉर्म में स्टोर करते हैं स्टूडेंट, स्टार्च। STARCH स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में प्लांट जो है एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट ब्लैंक हैव शार्प कैनिन टीथ टू टीयर द फ्लैश ऑफ द प्रे। किसके, कौन से एनिमल्स के शार्प कैनिन टीथ होते हैं। कैनिन टीथ होता है जो फ्रंट के जो शार्प टीथ होते हैं, किस टाइप के एनिमल्स के होते हैं कैनिन टीथ शार्प होते हैं। टीयर मीन होता है तोड़ना या फाड़ना, फ्लैश मीन मांस, प्रे मीन शिकार। किस टाइप के एनिमल्स के कैनिन टीथ शार्प होते हैं अपने शिकार के मांस को फाड़ने के लिए स्टूडेंट। कौन से एनिमल्स सिर्फ मांस खाते हैं, कार्निवोर्स। कार्निवोर्स एनिमल क्या होते हैं, सिर्फ अदर्स एनिमल्स का क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, इसलिए उनके जो कैनिन टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। नेक्स्ट प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड, प्लांट्स को और क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर होता है बनाने वाला, जो प्लांट है प्लांट को क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर। और एनिमल्स को क्या बोला जाता है, कंज्यूमर। प्रोड्यूसर क्यों कहा जाता है प्लांट्स को, क्योंकि वो अपनी बॉडी में ही अपना खाना क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एवरीवन। एवरीवन मतलब हर कोई, ऑल लिविंग थिंग्स इज डिपेंडेंट ऑन ब्लैंक फॉर फूड। सभी जो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली सभी फूड के लिए किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं। क्यों होते स्टूडेंट, क्योंकि
जो फूड चेन है, ऑल फूड चेन स्टार्ट बाय प्लांट्स। जो भी फूड चेन है वो किससे स्टार्ट होती है? प्लांट्स से ही स्टार्ट होती है। सभी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फूड के लिए प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। ओके, पार्ट सी, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, फर्स्ट, ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद एन ओमनिवर्स। जो फूड चेन है वो ओमनिवर्स के साथ स्टार्ट होती है। स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर में रीड किया था वो रीड किया था कि फूड चेन किससे स्टार्ट होती है? हमेशा प्लांट से। अब प्लांट किस कैटेगरी में आते हैं? हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनिवर्स या स्पिंजर। प्लांट्स आते हैं ओमनिवर्स कैटेगरी में, क्योंकि प्लांट्स अपनी बॉडी में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से भी खाना बना सकते हैं। और इंसेक्टिवर्स प्लांट क्या होते हैं? जो कीड़ों खाते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं? कीड़ों को खाने वाले भी होते हैं और अपनी बॉडी में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से खाना बनाने वाले भी होते हैं। तो प्लांट कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ओमनिवर्स। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू, ए फूड चेन ऑलवेज स्टार्ट विद एन ओमनिवर्स। ओके, नेक्स्ट, ओनली वन फूड चेन एग्जिट इन नेचर एट अ टाइम। सिर्फ एक ही फूड चेन नेचर में एक टाइम पर एग्जिट करती है, होती है। जैसे स्टूडेंट, बुक में डायग्राम है हमारा फूड चेन का कि प्लांट्स आर ईटन बाय ग्रासहॉपर, या ग्रासहॉपर इज फर्दर ईटन बाय फ्रॉग, एंड फ्रॉग इज फर्दर ईटन बाय स्नेक, एंड स्नेक इज फर्दर ईटन बाय ईगल। बट फूड चेन क्या हो सकती है? और भी बहुत सी हो सकती है, एक ही नहीं हो सकती। जैसे प्लांट्स आर ईटन बाय डियर, एंड डियर इज फर्दर ईटन बाय लायन या टाइगर। कोई भी एनिमल्स हो सकते हैं। तो ये क्या है हमारी स्टेटमेंट? फॉल्स है कि एक ही फूड चेन नहीं हो सकती, और भी हो सकती है। तो ये क्या है हमारा स्टेटमेंट? फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। ऑल प्लांट, जो सभी प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉल्स। वाई? बिकॉज ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही क्या कर सकते हैं? अपना खाना खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। ओके, ये क्या कह रहा है कि ऑल प्लांट्स, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, स्क्वेंजर्स हैव टू कीप आवर एनवायरमेंट क्लीन। जो स्क्वेंजर्स हैं वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं। स्ट्रू, जो स्कैंजस एनिमल्स हैं वो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन रखने में हेल्प करते हैं, क्योंकि जो स्कैंजस एनिमल्स हैं वो डेथ एनिमल्स को ही खाते हैं। ओके, दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। एंड लास्ट, सम ग्रीन प्लांट्स ट्रैप इंसेक्ट टू मेक देयर नीड लाइक मिनरल, सॉरी फॉर मिनरल लाइक नाइट्रोजन। सम ग्रीन प्लांट, जो कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं अपनी नाइट्रोजन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए। इज ट्रू, जो कुछ ग्रीन प्लांट्स हैं वो इंसेक्ट को ट्रैप करते हैं। इस टाइप के जो प्लांट्स हैं उनको क्या बोला जाता है? इंसेक्टिवर्स प्लांट या कार्निवर्स प्लांट। एग्जाम्पल क्या है इनके? सनड्यू, पिटचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप, ये क्या है? इंसेक्टिवर्स प्लांट के एग्जाम्पल हैं। ओके स्टूडेंट, आपको क्या करनी है? ये एक्सरसाइज अपनी बुक में फिल करनी है। ओके, बाय।